सबको होगी। और हम भी जानना चाहते थे कि महाभारत के ये भीम कितना खाना खाते हैं, इसलिए हमारे रिपोर्टर निकी सिंह ने किया भीम के साथ लंच। मैं जानती हूँ कि आप भी जानना चाहते हैं और यही मैं भी जानना चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज उनके साथ एक लंच डेट पे जाया जाए। भीम, वेलकम टू E24। थैंक यू। आपके स्वागत है इस लंच डेट पर भी। धन्यवाद। अच्छा, आपसे आज हम बहुत सारी चीजें जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि आपकी सेहत का राज है क्या? मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ और मुझे लगता है कि मेरे सेहत का राज यही है कि आप शाकाहारी अगर आप भोजन करते हो तो काफी अच्छी सेहत मिल सकती है आपको। ये बताइए कि क्या क्या खाना पसंद करते हैं, भीम को क्या खाना पसंद है और दिन में कितनी बार खाते हैं? रीजन ये है कि शूटिंग में हम लोग बहुत बिजी रहते हैं तो खाने का इतना मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर, क्योंकि अभी धूप में हम लोग शूट कर रहे हैं, बहुत गर्मी होती है और शूटिंग में थोड़ा टाइम देते भी नहीं है लोग, एक बार लंच ब्रेक करते हैं। फिर मैं 3 बार तो खाना खाते ही खाता हूँ, क्योंकि जब आपका साइज बड़ा होता है तो आपको ज्यादा खाने की जरूरत होती है, ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है, तो मैं सबसे ज्यादा खाता हूँ, अपने साथियों में सबसे ज्यादा खाता हूँ। ये मेरा खाना है। सबसे पहले मैं चपाती खाता हूँ क्योंकि चपाती बहुत जरूरी होती है, क्योंकि कई लोगों को देखा है मैंने कि जो ज्यादा राइस ज्यादा खाते हैं। अभी भी आप अपने परिवार से दूर उमरगांव सेट पे रह रहे हैं आप लोग, है ना, क्योंकि शूटिंग के दौरान आप लोगों को इतना टाइम ही नहीं मिलता कि आप फैमिली के साथ जाके रह सके। कितना मिस करते हैं घर का खाना? अपनी मम्मी को बहुत मिस करता हूँ मैं। जब भी घर जाता हूँ ना, 5-6 दिन सिर्फ खाना खाने का, वो कोई काम नहीं करता। मुझे लग रहा है कि सब लोग अभी मुझे खाना खाते हुए देखेंगे, कई लोग हंसेंगे भी कितना खाता है। मम्मी मुझे डांटेगी, अभी मुझे पता है कि मम्मी ने अगर देखे बहुत डांटेगी कि सबके सामने खाना क्यों खा रहा है, लेकिन अपने फैंस के लिए, अपने दोस्तों के लिए जरूर खाऊंगा। खैर, मेरा पेट तो भर चुका है, बट लगता है भीम का खाना अब भी खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा और बचा है बस, कुछ और। आपकी डाइट से जुड़े सवाल सिर्फ हम कर रहे हैं या और भी लोग होते हैं जो आपको पूछते हैं कि क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, कैसे खाते हैं, कब खाते हैं? मुझे जब भी लोग मिलते हैं, जो भी मिलते हैं, सबसे पहला प्रश्न उनका यही होता है कि आप क्या खाते हैं और कितना खाते हैं। ये क्वेश्चन हर किसी का होता है, छोटे बच्चे से लेकर और एक बड़े इंसान तक। और बच्चों को आंसर करना कितना मुश्किल होता है? बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि सारे बच्चे मुझे छोटे भीम से कंपेयर करते हैं। वो हमेशा मुझसे पूछते हैं कि छोटा भीम लड्डू खाने के बाद कुछ भी कर देता है और आप लड्डू खाने के बाद क्या कर सकते हैं, तो फिर मुझे ये बोलना पड़ता है बेटा मैं लड्डू खा के दुर्योधन को मार सकता हूँ। लास्टली जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस से, अपनी ऑडियंस से? मैं सबको सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि शरीर सबसे पहले है, उसका ख्याल रखें और शाकाहारी बने। जरूरी नहीं है कि मांसाहारी या नॉनवेज खाने से आपकी सेहत बने, तो शाकाहारी बनने की कोशिश करो, अच्छे से अपनी सेहत का ख्याल रखो, बस यही सबसे मेरा कहना। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, इट वाज नाइस हैविंग अ लंच विद यू। कैमरामैन बुलेट के साथ निक्की सिंह।